भाई साहब पेमेंट नगद दे अच्छा का अच्छा को 15 दिन बाद ही मिल जाए मैं तो कम फायदा है डाल सारी 100 रुपया ले रहे हैं कर रहे हैं पका ले रहे हैं ले रहे हैं जा रहे गन्ने का जितना रकबे में करा है भुगतान में क्या समस्याएं रहती हैं? समस्याएं ये हैं हमारा पिछला ही पैसा नहीं मिला। पिछली बार जो मायावती की सरकार थी उस टाइम हमें भुगतान नहीं मिला तो उन्होंने बिना मैं ब्याज के भुगतान दिलाया और पिछली साल जो गन्ना बड़ा हमारा उसका अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है 100 रुपये किर्रा पे गन्ना जा रहा है बताओ वहाँ पिछला पैसा नहीं मिल रहा हमें। अब बोलो हम क्या करें हम लोग तो मारे जा रहे हैं इधर उधर से ही। इस बार पर्ची सही मिलेंगी भुगतान सही होगा तो गन्ना डालें चालू होने के लिए अभी तक पिछला बकाया जो है उनका भुगतान नहीं किया कि कब तक गन्ना मिल चलेगी उनका भुगतान। देखिए हमारे यहाँ मुख्य रूप से दो शुगर मिल्क हैं एक तो सेकूपुर जो हमारे सरकारी है और दूसरी यदु शुगर मिल। हमारी सेकूपुर जो शुगर मिल है उसने हमारा 16.19 लाख कुंटल गन्ना पेरा जो पिछले साल से बहुत ज़्यादा था 12 लाख ही पिछले साल था और इसकी कीमत थी 50 करोड़ की। इस 50 करोड़ में 47 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका केवल 3 करोड़ 41 लाख बाकी रह गया। पिछले महीने ही सेकूपुर ने 25 करोड़ रुपए किसानों का एक साथ भुगतान किया ये बहुत बड़ा किसानों को तोहफा था सरकार की तरफ से पिछले महीने। यदु शुगर मिल है इसमें 219 करोड़ रुपए देने थे और अब तक इसने जो बकाया है आज की तारीख में वो 94 करोड़ रुपए बकाया। सॉफ्ट लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया है जो जल्दी से आने वाला है हमको लगता है एक आध हफ्ते में इनका भी भुगतान काफ़ी हो जाएगा तो अब भुगतान किसानों का बाकी नहीं रहेगा। दूसरा चीनी मिल चालू भी हो जाए किसान जो है चाहता है कि जैसे ककोड़ा मेला ख़त्म हो क्योंकि यहाँ का ऐतिहासिक मेला है किसान उसमें अपने सारे परिवारों के साथ जाता है जैसे ककोड़ा मेला चालू हो उसका गन्ना मिले लेनी चालू कर दी। तो 19 तारीख से हमारी यदु शुगर मिल को चलाने का प्रस्ताव है और 21 तारीख से सेखूपुर वाली शुगर मिल चलाने का प्रस्ताव है तो हम लोग इसी में लगे कि ये दोनों शुगर मिल चल जाएं और ककोड़ा मेला के तुरंत बाद गति पकड़ लें और किसानों का गन्ना पेरा जाए। इस बार गन्ने का उत्पादन भी ज़िले में ज़्यादा है तो हम लोगों को सतर्क रहना है। आपको ये भी बता दूँ